सबसे पहले हमको जानना है हमका जो आरोग्य सेतु आप डाउनलोड किया हो उसको आप, ये मेरा आरोग्य सेतु आप डाउनलोड हुआ है, यहाँ देख सकती हो कि मेरा जो ये आरोग्य सेतु आप डाउनलोड हुआ है, इसके हम अभी क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद वो परमिट में आएगा, लोकेशन का परमिट दे देना और ब्लूटूथ का परमिट दे देना। और उसके बाद यहाँ पे जो एक मैसेज आया इसको स्किप कर देना, और यहाँ पे देखो कि वैक्सीनेशन जो लिखा हुआ है यहाँ पे इसको आप क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर देना, मैं जैसे देती हूँ, मैंने अपना मोबाइल नंबर दे चुका है। अभी यहाँ पे प्रोसेस टू वेरीफाई क्लिक करूँगा, लेकिन और देखते हैं क्या होता है। और उसके बाद एक OTP आ जाएगा, OTP दे मेरे मोबाइल पर, थोड़े समय वेट कर लेना चाहिए। आ गया 4 7 9 8 4 2, ये मेरा OTP आ गया, इसको हम वेरीफाई करना है। और इसके बाद हमने सिलेक्ट करना है किसका, जो आप बेसिकली आपको आधार कार्ड नंबर देना है और आधार कार्ड नंबर यहाँ पे देना है। और मैं देती हूँ यहाँ पे देखो, मेरा आधार कार्ड नंबर दे चुका हूँ और यहाँ पे मेरा नाम लिख दूँगा उनका। और उसके बाद मैं मेल या फीमेल या अदर कुछ है, मैं मेल दे देती हूँ। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यह है, याद रखना केवल ही YY, मतलब मैं 2002 का पैदा हूँ इसलिए ही 2002 का दूँगा, और नहीं और कुछ का नहीं। उसके बाद मैं सबमिट कर दूँगा। सबमिट करने के बाद मेरा को एक मैसेज आएगा, देखोगी कैसा आया है। देखो यहाँ पे देख सकती हो ये मेरा आ गया है। मैं देखो मैं आप वहाँ पे अभिमन्यु मलिक जो मेंशन किया था वो आ गया है, और ये मेरा जो रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है, ये मैसेज आप देख सकती हो। इसके बाद ये जो मैसेज है इसको आपको नज़दीकी अस्पताल में लेके जाना है, और यहाँ पे आपको कोरोना वैक्सीन लगाना है। लेकिन एक बार एक और एक चीज़ देख लीजिए, देखो यहाँ पे दिया है कि द सेकेंड डोज द कोवैक्सीन शुड बी टेकन बिटवीन 28 डेज टू 42 डेज आफ्टर। इसका मतलब है कि जो पहले वैक्सीन लेगी उसके बाद 28 से 42 दिन के अंदर ही अंदर, और एक जो वैक्सीन और सेकेंड डोज ऐसे ही लेना, और नज़दीक नज़दीकी अस्पताल में जाके लेना है। ये जो आपको प्रूफ में दिखा देती हूँ, ये यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे ही, और जो सेकेंड डोज है 28 से 42 दिन के अंदर ही अंदर जाके जो नज़दीकी अस्पताल में और लेना है, और आप कोविड मुक्त हो जाएंगे।